हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप एक धमाकेदार वीडियो लेके आओ, बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आओ। वीडियो का नाम है ऑर्डर रैंकिंग। ऐसा ट्रिक लेके आओ कि ऑर्डर रैंकिंग के सम को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ऐसा एक ट्रिक लेके आओ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको कहना चाहूंगा, देखिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में ये कहना चाहूंगा, देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला सम लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला सम है, ये सम में पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पे लिखा है इन अ लाइन x is 15th from the left corner, मतलब एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और लेफ्ट कॉर्नर मतलब यहां पर लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, ये कॉर्नर में यहां पर लिख लेता हूं। तो लेफ्ट कॉर्नर से x की जो पोजीशन है वो 15 पे है, ठीक है, यहां पर 15 लिख लेता हूं और यहां पर मैं x लिख लेता हूं। उसके बाद क्या लिखा है देखिए यहां पर, एंड y is 35th from the left corner, लेफ्ट कॉर्नर से y जो है वो 35th नंबर पर है, तो यहां पर लिख लेता हूं 35th नंबर लिख लेता हूं और यहां पर मैं y लिख लेता हूं। और आगे क्या पूछा है देखिए यहां पर कि find how many persons are sitting between x and y, तो आपको ये बताना है कि x और y के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, फिंगर काउंट करने बैठ जाओगे, इतना मत करना, पेपर छूट जाएगा आपका। आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, एक बार का ध्यान रखना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एक तरफ से पूछेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से दो पूछा हुआ है कभी ऐसे पूछ सकते हैं, राइट कॉर्नर से, तो आपको ध्यान ही रखना है जब भी एक तरफ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ट्रिक लगाना है। दो नंबर दिया होगा उसको आप माइनस कर लीजिए, तो 35 माइनस 15 कितना होगा आपका, 20 होगा। जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है आपको, माइनस 1 कर लेना, तो आपका 19 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, यहां पर लिखा है इन अ लाइन P is 15 from the right corner and Q is 25th from the right corner. मतलब right corner मतलब दोनों right है, मतलब same direction का question है, तो यहाँ पर एक line draw कर लेता हूँ मैं, और देखिए ये right corner है, तो यहाँ पर मैं right corner लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला हुआ है P जो है right corner से 15 position पे है, तो यहाँ पर मैं 15 लिख लेता हूँ, यहाँ पर P लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप अगर, तो Q जो है 25th from the right corner, तो right corner से वो 25th में है, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं Q लिख लेता हूँ, क्लियर है। अब आपको निकालना है यहाँ पर ये है कि find how many persons are sitting between P and Q, P और Q के बीच में कितने लोग बैठे वो आपको निकालना है। तो सिंपल आपको सिखाया मैंने, आपको क्या करना है, ये दो नंबर का माइनस कर लीजिए, तो 25 में से 15 माइनस होगा तो आपका 10 आएगा, और जो आंसर आएगा उसमें आप माइनस 1 कर लीजिए, तो सिंपल आपका 9 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन सिखाया आपको मैं सेम डायरेक्शन में होंगे, तो अब देखिए कुछ नया लेके आ रहा हूं मैं। चलिए सुनिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सम लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखिए, बहुत कुछ नया कुछ दिया है यहां पर, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, दोनों को एक साथ दे दिया गया है, तो एक साथ दे देंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, जिससे आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है कि इन अ लाइन ऑफ 45 स्टूडेंट, मतलब टोटल जो है 45 स्टूडेंट है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं टोटल 45 लिख लेता हूं मैं। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है कि राहुल इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, राहुल जो है लेफ्ट से उसका पोजीशन जो है वो 10th है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, देखिए लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और यहां पर लिख लेता हूं मैं लेफ्ट लिख लेता हूं, और यहां पर लिख लेता हूं मैं राइट लिख लेता हूं, और क्या बोला है, राहुल जो है लेफ्ट से 10th पोजीशन पे है, तो यहां पर लेफ्ट से यहां पर लिख लेता हूं राहुल, और यहां पर लिख देता हूं 10, क्लियर है। उसके बाद देखिए मेहुल के बारे में बोला है कि मेहुल जो है वो 15th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से वो मेहुल जो है 15 पोजीशन पे है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 15 लिख लेता हूं, और यहां पर लिख लेता हूं मेहुल,
और क्या पूछा है देखिए, यहां पर बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राहुल एंड मेहुल। तो राहुल और मेहुल के बीच में कितने स्टूडेंट है वो आपको बताना है। तो ये बताए जाओगे ना अगर, तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे करें। तो आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक देखिए, क्या करोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो ये 15 ये 10 मतलब जो भी नंबर होगा उन दो नंबर में प्लस कर लीजिए। तो 10 प्लस 15 कितना होगा आपका 25 होगा। फिर आपको ये देखना है कि जो टोटल जो है टोटल बड़ा है इससे, अगर टोटल बड़ा होगा तो सिंपल क्या करोगे 45 में आप 25 माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर जो होगा 20 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि दो नंबर को प्लस करने पर आपको देखना होगा वो नंबर जो आपका जो टोटल है उससे छोटा है, अगर छोटा है तो माइनस कर लीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो और एक सम लेके आ रहा हूं मैं इसी टाइप का जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर क्या दिया है कि इन अ लाइन ऑफ 90% रोहन इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सोहन इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले क्या देखना है आपको, टोटल क्या, देखिए यहां पर टोटल लिख लेता हूं मैं, टोटल हमारा 90 इस बार दिया है और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है और यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि रोहन जो है, रोहन 32nd पोजीशन है लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से मैं यहां पर 32 लिख लेता हूं और यार यहां पर मैं लिख लेता हूं रोहन, ठीक है। उसके बाद आप रीड करोगे तो यहां पर लिखा है सोहन इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो सोहन है, यहां पर सोहन लिख लेता हूं, सोहन क्या है आपका 14 पोजीशन है, यहां पर मैं 14 लिख लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहां पर कि हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन रोहन एंड सोहन, रोहन और सोहन के बीच में कितने पर्सन हैं वो आपको निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे आप, ये जो दो नंबर दिया है इसको आप प्लस कर लीजिए, 32 प्लस 14 कर लीजिए तो आपका 46 आ जाएगा। और फिर आपको चेक करना है कि ये टोटल क्या इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो सिंपल आप करोगे 90 माइनस 46 करोगे और आपका आंसर जो है 44 आ जाएगा। तो यही सिंपल ट्रिक से आप ऐसे सम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि अगर ऐसा हो जाए तो ये टोटल से अगर ये बड़ा हो जाए तब क्या करेंगे। तो आपने सोचा और आपके लिए सम लेके आ गया। चलिए अब आपके सामने और एक नया सम लेके आया हूं जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहां पर पूछा क्या गया है देखिए, इन अ लाइन 29% P is 23rd from the left corner and Q is 25th from the right corner. तो एक काम कर लेते, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया कि 29% जो टोटल है तो यहां पर लिख लेता हूं मैं टोटल इक्वल टू 29 हमारा पर्सन है। उसके बाद देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं मैं लेफ्ट लिख लेता हूं और यहां पर मैं राइट लिख लेता हूं। फिर इंफॉर्मेशन क्या दिया देखिए, P जो है वो 23rd है फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर से यहां पर लिखूंगा 23 और यहां पर लिख लूंगा मैं P लिख लूंगा। उसके बाद देखिए Q दिया है कि Q इज 25th फ्रॉम द राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर से जो Q जो है वो क्या है 25th पोजिशन में है। अब आपको क्या करना है यहां पर निकालना है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं वो आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल करोगे कि ये 23 दिया है और ये 25 दिया है, इनको प्लस कर लीजिए। तो 23 प्लस 25 करोगे तो आपका आंसर जो है 48 आएगा। और आप देखोगे यहां पर ये टोटल देखिए छोटा हो गया है, तो छोटा हो गया तो क्या करोगे आप, स्ट्रेस ले लोगे। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। आपको क्या करना है, जब भी टोटल अगर छोटा हो गया है तो भी आपको माइनस ही करना है, लेकिन कुछ नया करना है। 48 में आप 29 माइनस कर लीजिए, आपका 19 आएगा। फिर क्या करना है आपको, जो आंसर आएगा उसमें आपको माइनस 2 कर लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 17 होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
गया। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। आपको क्या करना है, प्लस करना है, और जब प्लस करोगे तो नंबर देखिए टोटल से बड़ा आ रहा है। जब भी टोटल से बड़ा आएगा तो आपको माइनस तो करना है, लेकिन क्या करना है आपको, जो आंसर आएगा उसके अंदर माइनस टू करना है। चलिए और एक सम लेता हूं मैं जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए सुनिए दोस्तों, आपके लिए और एक सम लेके आया जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इन अ लाइन 27% मतलब एक लाइन में 27% है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं टोटल, टोटल इक्वल टू 27 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या दिया है देखिए कि x इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं और यहां पर लिख लेता हूं मैं लेफ्ट लिख लेता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर x जो है वो 12th फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर है, तो लेफ्ट कॉर्नर से यहां पर लिख लेता हूं मैं x लिख लेता हूं और यहां पर मैं 12 लिख लेता हूं, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर y दिया है कि y इज 23rd फ्रॉम द राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर से y जो है वो 23rd पोजिशन पे है, तो यहां पर मैं y लिख लेता और यहां पर 23 लिख लेता हूं। फिर देखिए क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्संस आर देयर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं या आपके कितने लोग यहां पर हैं, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल क्या करोगे, ये दो नंबर को आप प्लस कर लोगे, तो 23 प्लस आप 12 करोगे तो आपका आंसर जो है 35 आएगा। अब आप देखोगे अगर कि टोटल जो है ये 35 आ गया और टोटल देखिए छोटा हो गया है, छोटा जब हो जाएगा तो क्या करना है आपको, सिंपल आपको 35 माइनस 27 आपको करना है, तो आप माइनस करो क्या हो जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा, लेकिन 8 आपका राइट आंसर नहीं है। जब भी देखिए टोटल छोटा होता है तो जो यहां पर आंसर होगा उसमें क्या करोगे आप, माइनस 2 लगा दोगे, तो यहां पर जो है वो है 6, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको पसंद आया होगा और जरूर से हर एक चीज सीख गए होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और एक काम जरूर करना, देखिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर, आपको कहना चाहूंगा देखिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए जिससे आपका फायदा हो पाए, और वो प्लेलिस्ट अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए जिससे उनका भी फायदा हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।